साहस सरोकार। ग्राम पंचायत लोहरसी के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कविता नरेंद्र तिवारी ने दर्ज की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी ने वार्ड ग्रामवासियों को जताया आभार। राजीव माघी पुत्री पुन्नी मेले में 5 फरवरी से 18 फरवरी तक होगा आयोजन। धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सहूलियत के संबंध में अधिकारियों को दिया निर्देश। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद रुपए के लिए सहकारी बैंकों का चक्कर लगा रहे किसान। तातापानी महोत्सव की जिला प्रशासन ने तैयारियों की तेज। महोत्सव के दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। लंगाव में लगे साप्ताहिक बाजार में नशे में धुत मंडासर स्थिति में मिला अधेड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पामगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत लोहरसी में पंचायत उपचुनाव को सकुशल संपन्न हुआ। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कविता नरेंद्र तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की गौरी कमल शाहू को बड़े अंतर से जीत दर्ज की। सरपंच कविता नरेंद्र तिवारी ने राम दरबार मंदिर में पूजा अर्चना की और वार्ड वासियों को, ग्राम वासियों को, समर्थकों का आभार भी जताया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थकों ने गुलाल लगाकर जश्न मनाया। बहुत ही खुशी, हर्ष और उल्लास की बात है कि आज जनता मुझे फिर विश्वास और भरोसे के साथ आज गांव को मुझे सौंपा है और गांव की जनता एक मेरे बच्चे के समान और मैं एक पिता बना हूं और अपने पुत्र अपने परिवार को देख जिस प्रकार से देखभाल करते हैं उसी प्रकार गांव को अपने बच्चे की तरह सभी को लेकर के पूरे गांव को लेकर के चलूंगा और सभी के जिस प्रकार से मुझे विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। लोहरसी जनता को बहुत बहुत दिल से आभार देना चाहती हूँ। आज यही के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से मेरी फिर से जीत हुई है। मेरा सपना पहले भी था कि मैं लोहरसी को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मेरा सपना जो था अधूरा रह गया था, लेकिन आज फिर से मुझे मौका मिला और मेरा जो काम अधूरा रह गया उसे मैं पूरा करके ही दिखाऊंगी। जांजगीर चांपा में किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने के बाद पैसा लेने के लिए सहकारी बैंकों का चक्कर काटने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि बैंक प्रबंधन जरूरत के हिसाब से रुपए नहीं दे रहा है। आक्रोशित किसानों ने किसान कांग्रेस की अगुवाई में रैली निकालकर बैंक प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाया है और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इधर राशि निकालने में आ रही परेशानियों की जानकारी भी दी। किसान कांग्रेस के सहभागीय प्रभारी अरुण यादव और जिलाध्यक्ष कमल साव ने बैंक प्रबंधन पर कमीशन लेकर पैसा निकालने का आरोप लगाया है। आज हमारे किसान कांग्रेस की टीम द्वारा बैंक प्रबंधन के खिलाफ 5 बजे हर जगह सरकारी में बंद होना है 5:30 बजे, अब 8 बजे 8:30 बजे तक पैसा भुगतान करता है तो ये किसान लोग कहीं उठाई गिरी के शिकार ना हो और सुबह से आए रहते हैं 11 बजे का और रात को 8 बजे 9 बजे इनको भुगतान होता है तो इसके विरोध में हम लोग तकलीफ़ हो रहा है किसान को, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और बैंक प्रबंधक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ऐसे ऐसे प्रबंधक को तो बिल्कुल हटाया जाए जो किसानों के हित में काम नहीं कर रहा है। 5:30 बजे के बाद पैसा मिलता है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो किसान हैं जांजगीर ज़िला के, उन किसानों को बैंक में उनके जो उपज है धान है उनके वज में राशि जो मिलना है वो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है। बैंक खाते में जमा होती है तो उनको वो राशि जब आहरण कर जाते हैं तो पूरी राशि उनको नहीं मिल पाती। एक तो उनको जो ATM दिया गया है उस ATM को बैंक वालों ने ब्लॉक कर दिया है जिसके कारण उसको उन किसानों को असुविधा हो रही है। यहाँ सुनने को और मिला, मैं अभी रास्ते में भी आ रहा था, सेमरा भी मुझे सुनने को मिला कि किसानों के साथ बैंक वाले जहाँ उनको राशि प्राप्त करनी है वहाँ वो उनको परेशानी उठानी पड़ रही है और उनको जो लाइन लगाते हैं सवेरे से तो उनको शाम को 6, 7, 8 बज जा रही है और राशि मिलने के बाद उनको जो परेशानी हो रही घर जाने में आने में और भीड़ जो है इकट्ठी रहती है, खाने को नहीं जा पा रहे हैं, नाश्ते के लिए नहीं जा पा रहे हैं, भूखा प्यासा लाइन लगे रहते हैं। तो ये हमारी मांग है कि उस जो बैंक की व्यवस्था है उसको
प्रशासन के द्वारा सुधारा जाए और जो हमारे किसान हित में जो हमारी सरकार भूपेश जी की सरकार है तो उस सरकार के जो छवि धूमिल हो रही है उसको उसका निराकरण किया जाए। राजिम माघी पुन्नी मेले का 5 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजन होना है। मेले की तैयारियों को लेकर केंद्रीय समिति की बैठक धर्मस्व मंत्री रामचुआ साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, अन्य सहूलियत, सड़क, शौचालय, बिजली पानी की व्यवस्था कराने को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री रामध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट प्रभात मालिक को मेला में स्थायी रूप से समिति का गठन करने, मेले में धमतरी रायपुर जिला की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने आवश्यक तैयारी और बैठक का निर्देश दिया। बैठक में राज्य विधायक गो सेवा के आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास उपस्थित थे। अधूसन जैसा पिछले साल जैसा था वही रहेगा, जैसे जैसे आमंत्रित किए थे उसी ढंग से, कोई नया परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और बाहर से और कोई बड़ा संत महात्मा की बात अभी आई नहीं है। मान लो कोई सुझाव आएगा, कुछ आमंत्रण की बात आएगी तो उस पर विचार करेंगे। ये कुछ नई चीज़ इससे अलग हट करके कोई सुझाव आए तो उस पर ज़रूर विचार कर लेंगे। बलरामपुर में मकर संक्रांति त्योहार के मद्देनजर तातापानी महोत्सव 2023 का और 14 से 16 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने त्योहार को देखते हुए सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। तातापानी में भूमिगत जल स्रोत से निकलने वाले गर्म पानी की अपनी धार्मिक मान्यताएं और कहानियां हैं। तातापानी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर वर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विधायक बृहस्पति सिंह, आईजी रामगोपाल गर्ग ने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक बृहस्पति सिंह ने बताया कि महोत्सव में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी शुरू रहेंगे, हमारे राज्य के प्रभारी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय सिडहरिया, डॉक्टर सिडहरिया साहब रहेंगे और हमारे महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी रहेंगी और अगले गेस्ट के रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रेम साई जी जो हमारे ज़िले के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, वो चारों हमारे गेस्ट आ रहे हैं और हमारे चिंतामणि महाराज सामरी विधायक भी रहेंगे। ये सभी मिलकर शुरुआत पहला दिन करेंगे 14 जनवरी को और 15 जनवरी को आदरणीय पंचायत मंत्री हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे साहब रहेंगे और उनके साथ और विधायक और मंत्री रहेंगे और उनके साथ सभी लोग हम लोग दूसरा दिन भी कार्यक्रम करेंगे, तीसरा दिन भी करेंगे। तो इस तरह से 14, 15 और 16 तीन दिन का रंगारंग कार्यक्रम है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि तातापानी महोत्सव मकर संक्रांति के समय पे 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित किया जाना है। तो इसमें जैसे हमने अभी सभा स्थल यहाँ पे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और अन्य विशिष्ट मंत्रीगण और मुख्य अतिथिगण रहेंगे जो इस कार्यक्रम में, उनके लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी, साथ ही जो मेला रहेगा उसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगी, कहाँ पे पार्किंग होगी और किस प्रकार से भीड़ के नियंत्रण के लिए व्यवस्था की जाएंगी, उसको हमने समीक्षा की है और पुलिस प्रशासन को, हमारे एसपी साहब को और समस्त जवानों को हम यही निर्देश दे रहे हैं। तातापानी महोत्सव बलरामपुर रामानुजगंज जिले का सबसे बड़ा एक मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। इस साल में 2023 के साल में 14, 15, 16 जनवरी को इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत देंगे, साथ ही साथ में माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय महिला बाल विकास मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। इसमें 14 तारीख को जो हमारे स्कूली बच्चों के द्वारा प्रोग्राम दिया जाएगा। रोजगार गारंटी में कार्यरत माता पिता से मिलने जा रहे दो बच्चे हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बच्चे तेज रफ्तार ट्रैक्टर में बैठे हुए थे, इसी दौरान हादसा हो गया जिसमें एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को संज्ञान में लेने के बाद कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दो बच्चों की पहचान जांजगीर चांपा के खोखरा गाँव निवासी के रूप में की है।
पेंड्री प्रीतमपुर एनएच हाईवे 49 नावापार में दो बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक नाबालिग की मौके पर मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए आसपास के ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पर पहुंचे थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि हादसे में दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले में अग्रिम कार्यवाही मंगलवार से अमल की लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त सभी वाहनों को सिटी कोतवाली थाने में भेज दिया गया है। फिंगेश्वर पुलिस ने कॉलेज की छात्रा कुसुमलता ध्रुव को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा किया है। हत्या से संबंधित आरोपी धर्मचंद साहू को मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी छात्रा के गांव का निवासी है, आए दिन युवती से शादी के लिए दबाव बना रहा था। ध्रुव निवासी देवगांव का 23/12/2022 को जहर खा के अस्पताल फिंगेश्वर में भर्ती थी, इसको रिफर किया गया था महासमुंद। महासमुंद से 1 तारीख को डायरी प्राप्त हुआ, जांच किया गया। जांच में प्रथम दृष्टांत में ये पाया गया कि आरोपी धर्मदास साहू निवासी देवगांव का, जो लगातार उनको शादी के लिए तारीद करते थे, इसी से तंग आकर वो जहर पीकर आत्महत्या किया है। आरोपी को विधिवत आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। लमगांव के साप्ताहिक बाजार में एक अज्ञात व्यक्ति नशे में धुत मंडासन परिस्थितियों में पड़ा मिला। साप्ताहिक बाजार में आए प्रत्यक्षदर्शियों ने सनसनी फैला दी घटना की सूचना पर ग्राम सरपंच प्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अज्ञात व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति के परिजनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। घंटा पहले मतलब शराब के नशे में धुत होकर अपने से गिरा है। हाँ। और इसके लिए जो है 108 को फोन किया गया है, इसके इलाज के लिए लाया गया है, आ ही रही होगी गाड़ी जी, ताकि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके। हाँ। किसी प्रकार का इनको नुकसान ना हो। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।